प्रदेश की अन्य जगहों की तरह ही ग्वालियर में भी जेंडर रेशियो में काफी अंतर पाया गया, जहां 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या काफी कम पाई गई। महिला बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार NFSH 4/2015-16 की जेंडर रेशियो रिपोर्ट के अनुसार ग्वालियर में 1000 पुरुषों पर महज 887 महिलाएं थीं, लेकिन इसके बाद NFHS 5/2020-21 जेंडर रेशियो रिपोर्ट के अनुसार अब 1000 पुरुषों पर 902 महिलाएं हैं। ऐसे में विभाग ने जितनी उम्मीद की थी उस आधार पर जेंडर रेशियो को दूर नहीं किया जा सका। विभाग की मान्यता है कि शहर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता ज्यादा है। फिलहाल विभाग द्वारा वर्ष 2022 में टारगेट लिया है कि जेंडर रेशियो का यह आंकड़ा उन्हें 1925 पर पहुंचाना है। बेसिकली अभी जो NFHS 5 का जो नया डेटा आया है जो 2021 में जारी हुआ है, उसमें NFHS 4 जो 2015-16 का था उससे कहते हैं 887 से बढ़ के जेंडर रेशियो 902 हो गया है। तो कहने का मतलब है कि इसमें सुधार है ग्वालियर में। तो अपन ये नहीं कह सकते कि ग्वालियर में, हालांकि भी जो नेशनल एवरेज है वहाँ उतने पे नहीं है अपन, लेकिन कहते हैं सुधार तो है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या कहते हैं सुधार है, लेकिन अभी चूंकि जो सामाजिक परंपराएं हैं हमारी उसके चलते सुधार ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में काफ़ी परिवर्तन आया है, लोगों की सोच में परिवर्तन आया है।